दोस्तों राजस्थान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है जो कि काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। तो बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों हाल ही राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर को काबू किया है जो कि एक फायरिंग के मामले में वांटेड चल रहा था, जिसका नाम अभय सिंह राठौड़ है और वह चूरू जिले का रहने वाला है। दरअसल पूरा मामला कुछ ये था कि पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने जी क्लब पर फायरिंग की थी। उसके कुछ दिनों बाद ही तीन मेंबर्स को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभय सिंह राठौड़ फरार हो गया था। इस फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर ने फेसबुक पोस्ट शेयर करके इसकी जिम्मेदारी ली थी। दरअसल फायरिंग करने का कारण ये था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जी क्लब के मालिक से पहले रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर उसके क्लब पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद एक लेटर छोड़ा गया जिसमें लिखा था कि 1 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। एंड इसके बाद पुलिस चारों तरफ एक्टिव हो गई और पुलिस ने पहले तो तीन मेंबर्स को काबू कर लिया, जिसके बाद लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर को नेपाल और इंडिया बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया और अब वो जेल में बंद है। दोस्तों जो हाल ही अभय सिंह राठौड़ गिरफ्तार हुआ है, इसके बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि यह आरोपी जयपुर के वैशाली नगर में स्थित एक होटल में छिपा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर AGTF ने वहां पर छापा मारा और इस आरोपी को काबू कर लिया। एंड गिरफ्तार करने के बाद इस आरोपी को AGTF ने जवाहर सर्किल थाने में सौंप दिया है। जवाहर सर्किल थाने में इसलिए सौंपा है क्योंकि जो जी क्लब पर फायरिंग की गई थी वह जवाहर सर्किल थाने के अंतर्गत ही आता है। एंड अब इस आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी पर बीकानेर, गंगानगर और जयपुर में हत्या, मारपीट और रंगदारी सहित 8 मामले दर्ज हैं। साथ ही इस आरोपी से पूछताछ के बाद पता चला है कि जी क्लब फायरिंग के बाद यह आरोपी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अन्य जगहों पर चला गया था, इसीलिए ही यह पुलिस के हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों इस प्रकार राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस आरोपी को काबू कर लिया है। तो आप क्या सोचते हो लॉरेंस गैंग के इस गैंगस्टर को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।